केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आम बजट को लेकर बुरहानपुर जिले के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बजट को लेकर व्यापारिक वर्ग ने केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए ही इसे फायदेमंद बताया, उद्योग और व्यापारियों के लिए बजट फेल बताया है। तो वहीं आम नागरिकों ने इस बजट को सामान्य बजट बताया। इसमें गरीबों या मध्यम वर्ग इसको किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं बताया जा रहा। कुछ लोगों ने इस बजट को पुणे तक चुनावी बजट बताया है और जिससे पूर्णतः केंद्र सरकार के लिए या फेल बजट बताया है। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का बजट को लेकर। सर, बजट जो सरकार ने जो पेश किया, मुझे नहीं लगता कि इस बजट से मीडियम क्लास और जो पिछड़ा जो लोग हैं, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके कोई फायदे में हो। जिस प्रकार से जो बजट होना चाहिए था, जिसमें बेरोजगारों के लिए कोई अवसर पैदा होना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारों के लिए भी इसमें निराशा नजर आ रही है। और जिस प्रकार से महंगाई महंगाई की बात अगर हम देखें, तो इतनी महंगाई बढ़ गई, तो उस महंगाई में राहत होना चाहिए थी। तो ये मुझे एक प्रकार से वही घुमा फिरा के जनता पर भार नजर आ रहा है। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। ये पूरा चुनावी वर्ष होने की वजह से पूरा चुनावी बजट है ये। इसमें गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के लिए भी कोई काम नहीं है इसमें। ये वेतन भोगियों के लिए कुछ नहीं है, सभी लोगों को इससे पूरी तरीके से निराशा हुई है। बजट सामान्य बजट है, चुनावी बजट है, और इसमें जो 7 लाख तक की छूट दी गई है, वो विशेष जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उन लोगों को इससे बेनिफिट होगा, लेकिन कोई उद्योगपति या इंडस्ट्रीज़ के लिए इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। देश में जब GST लागू किया गया था, तो एक टैक्स एक देश की एक नीति बनाई गई थी, लेकिन आज भी पेट्रोल पंप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसमें नहीं लिया गया, पेट्रोल डीजल को। इसके कारण पूरे सभी देशों में, पूरे प्रदेश में, देश के सभी प्रदेशों में इसको काटो पे संभाल